हेलो एवरीवन। आज हम अपना ये लेक्चर 15 हम कर चुके हैं पहले। अब लेक्चर 16 स्टार्ट करते हैं। आज आज हम बात करेंगे डाइवर्जेंस ऑफ सीक्वेंस के बारे में। अब तक हमने कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड लिमिट ऑफ सीक्वेंस के बारे में डिस्कस किया है। आप जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं सारे लेक्चर्स को अवेल करने के लिए। सिंपल आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि जो भी मैं अपनी नई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, चलिए डाइवर्जेंस ऑफ सीक्वेंस को देखते हैं क्या होता है। बेसिकली जैसे हमने कन्वर्ज को देखा, अगर यूनिक लिमिट पॉइंट होता है उसके पास तो वो कन्वर्ज कर जाती है उस लिमिट पॉइंट के ऊपर, हम उसे बोलते हैं कन्वर्जेंस सीक्वेंस। ठीक है, डाइवर्जेंस सीक्वेंस या तो वो डाइवर्ज करेगी प्लस इन्फिनिटी तक को या वो डाइवर्ज करेगी माइनस इन्फिनिटी तक को। ठीक है, तो कोई भी सीक्वेंस है वो डाइवर्जेंस डाइवर्ज करेगी प्लस इन्फिनिटी तक को या माइनस इन्फिनिटी तक को। तो सिंपली अगर आप इसको डेफिनेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि कोई सीक्वेंस है, अ सीक्वेंस एन इज सेड टू बी डाइवर्जेंस इज सेड टू बी डाइवर्ज डाइवर्ज टू प्लस इंफिनिटी इफ गिवन के, कोई नंबर के मान लेते हैं, इफ गिवन के बिलोंग्स टू आर हाउ एवर लार्ज देर एग्जिस्ट सपोज एम बिलोंग्स टू एन डिपेंडिंग ऑन के सच डेट ए एन ग्रेटर देन के फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ठीक है, और सिंपली राइट, इतनी लंबी चौड़ी अगर बात समझ में नहीं आती तो सिंपल जब एंड इन्फिनिटी तक को टेंड करेगा तो सीरीज जो है वो प्लस इन्फिनिटी तक को जाएगी, या तो प्लस इन्फिनिटी तक जा सकती है या ऐसा भी हो सकता है कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी करें तो ए एन जो है सीक्वेंस वो माइनस इन्फिनिटी तक चला जाए। ठीक है, दोनों ही केस में सीक्वेंस अगर ऐसी जाती है उसकी लिमिट जब फाइंड करते हैं वो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी तक चली जाती है तो हम कहते हैं कि सीक्वेंस इज डाइवर्जेंस। ठीक है, वो डाइवर्जेंस सीक्वेंस है। एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए, अगर एग्जाम्पल लेना चाहते हैं इसके लिए, तो ए एन एक सीक्वेंस ले लेते हैं हम एन। ठीक है, जैसे इसमें आप लिमिट लगाएंगे एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन करेंगे तो ये कहाँ जाएगी, प्लस इन्फिनिटी चली जाएगी भाई, एन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। और अगर हम माइनस एन ले लेते हैं, अगर ए एन इक्वल टू हम सीक्वेंस लेते हैं माइनस एन, जब इसमें लिमिट लगाएंगे तो ये जाएगी माइनस इन्फिनिटी तरफ को। तो इसका मतलब क्या हो गया कि या तो सीक्वेंस प्लस इन्फिनिटी हो जाए या माइनस इन्फिनिटी तरफ हो जाए, दोनों ही केस में सीक्वेंस हमारी डाइवर्जेंस होती है। ठीक है, तो अब हम बात कर सकते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस के बारे में। ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या होती है भाई? ऑसिलेटरी सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस कहलाती है जो किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में ऑसिलेट करती रहे। अगर ऑसिलेट फाइनाइट हो सकती है, ऑसिलेटरी इनफाइनाइट हो सकती है, मतलब बाउंडेड सीक्वेंस हो सकती है और अनबाउंडेड सीक्वेंस हो सकती है, दोनों ही कंडीशन में ऑसिलेट कर सकती है। तो चलिए हम ऑसिलेटरी सीक्वेंस के बारे में बात करते हैं। ऑसिलेटरी सीक्वेंस तो इसको आप लिख सकते हैं सिंपल ऐसे कि इफ अ सीक्वेंस एन नाइदर कन्वर्ज टू अ लिमिट पॉइंट, नाइदर कन्वर्ज टू अ फाइनाइट लिमिट पॉइंट और अ फाइनाइट नंबर टू हम से लिख लेते हैं फाइनाइट नंबर, लिमिट की जगह फाइनाइट नंबर लिख देते हैं टू, अगर वो किसी फाइनाइट नंबर की तरफ कन्वर्ज ना करें टू अ फाइनाइट नंबर नॉर डाइवर्ज, हम कन्वर्ज और डाइवर्ज को देख चुके हैं, नॉर डाइवर्ज टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, ऐसे सीक्वेंस क्या कहलाती है, देन द सीक्वेंस कॉल्ड सीक्वेंस इज कॉल्ड एन ऑसिलेटरी सीक्वेंस, एन ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ठीक है, ये सिंपल सी ऑसिलेट, ये भी दो टाइप की होती है हमारे पास। एक हो सकती है कि कोई सीक्वेंस बाउंडेड है विच डज नॉट कन्वर्ज फाइनाइटली, एक हो सकती है अनबाउंडेड, दो केस हो सकते हैं इसमें भी। तो फर्स्ट केस हम बात कर सकते हैं कि अ बाउंडेड सीक्वेंस विच डज नॉट कन्वर्ज विच डज नॉट कन्वर्ज सेट टू बी ऑसिलेट फाइनाइटली, बाउंडेड है भाई तो
तो दो बाउंडेड है तो दो पॉइंट के बीच में ऑसिलेट करेगी, ऑसिलेट फाइनाइटली। जैसे कि इसके लिए कोई एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल लें ए एन इक्वल टू -1 to the power n, ठीक है, तो अगर आप n की वैल्यू इवन लेंगे तो ये जाएगी +1 की तरफ को, अगर ऑड लेंगे n की वैल्यू तो जाएगी -1 की तरफ को, तो इसके सारे के सारे टर्म +1 -1 +1 -1 के बीच में आते रहेंगे, ठीक है। तो ऐसी सीक्वेंस कहलाती है हमारे पास ऑसिलेटली फाइनाइटली, ऑसिलेट फाइनाइटली, ऐसी सीक्वेंस ऑसिलेट करती है फाइनाइटली, तो फाइनाइटली कहलाते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, क्योंकि दो लिमिट पॉइंट आ रहे हैं, एक बार +1 आ रहा है, एक बार -1 आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जो लिमिट है, अगर हम लिमिट फाइंड करें, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन, इस वाले ए एन की बात करें, तो हम कहेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो सीक्वेंस है डज नॉट कन्वर्जेंस, क्योंकि ऑसिलेट कर रही दो नंबर्स के बीच में, और कन्वर्ज होने के लिए तो यूनिक लिमिट पॉइंट होना चाहिए। अब हम एक केस देख सकते हैं कि अनबाउंडेड का केस हो सकता है, ठीक है। तो दूसरा केस क्या बन सकता है इसमें, अनबाउंडेड का केस बन सकता है, एन अनबाउंडेड सीक्वेंस, अनबाउंडेड सीक्वेंस विच डज नॉट डाइवर्ज इज सेट टू बी, इज सेट टू ऑसिलेट इनफाइनाइटली। अब इनफाइनाइटली कैसे ऑसिलेट करेगी, क्योंकि भाई जैसे वहां पर ये दोनों पॉइंट हमारे 1 और -1 आए थे, यहाँ पर इन्फिनिटी आ जाएंगे इसी, बस इस तरह से। मतलब एग्जाम्पल अगर कोई लें इसका समझने के लिए, तो ले लेते हैं हम ए एन इक्वल टू, कोई सीक्वेंस ले लेते हैं -1 to the power n into n, ठीक है भाई। अब जैसे इसमें आप इवन रखेंगे वैल्यू, मतलब जैसे ही लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे, और अब मैं 2n लिख लेता हूँ, 2n का मतलब इवन, n की वैल्यू जब इवन ले रहे हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये किधर जाएगी, n n को टेंड करा रहे इन्फिनिटी तरफ को, और इवन इवन वाले नंबर ले रहे हैं तो ये जाएगी +∞ तरफ को, ठीक है। इसी तरह से जब हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाते हैं और इसको 2n -1 या 2n+1 कर लेते हैं, ठीक है, 2n+1 करते हैं, मतलब ऑड तरफ जा रहे हैं, तो ये किधर जाएगा, ये जाएगा अपना -∞ तरफ को, ये गया +∞ तक को टेंड किया, उसने -∞ तक को टेंड किया। तो सीक्वेंस क्या है, कन्वर्ज तो नहीं कर रही, तो ये ऑसिलेट कर रही है इनफाइनाइटली, इस केस में हम कहलाएंगे, ये सीक्वेंस कहलाएगी ऑसिलेट इनफाइनाइटली, ओके। और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सीक्वेंस ए एन डज नॉट डाइवर्ज, ठीक है, इसको आप डाइवर्जेंस नहीं बोलेंगे, क्योंकि डाइवर्ज करेगी या तो +∞ तक या -∞ तक, अगर दोनों एक साथ चल रहा है कि आधे केस के लिए +∞ तक जा रही है, आधे केस के लिए -∞ तक जा रही है, तो हम कहेंगे कि सीक्वेंस डज नॉट डाइवर्जेंस। जैसे हमने पिछले केस में कहा सीक्वेंस डज नॉट कन्वर्जेंस, उसी तरह से इस केस में कहेंगे सीक्वेंस डज नॉट डाइवर्जेंस, ओके। होप सो ये आपको क्लियर हो रहा होगा कॉन्सेप्ट। फिर भी कोई डाउट अगर किसी स्टूडेंट्स को है तो प्लीज कमेंट सेक्शन जरूर बताएं, ठीक है। और अगर ये आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर भी करते रहें। अब हम इसमें इससे जुड़े हुए कुछ नोट्स देख सकते हैं, छोटे छोटे सी बातें। फर्स्ट नोट में अगर हम बात करें, व्हेन वी से लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी ऑफ अ सीक्वेंस ए एन इक्वल टू एल, इट मींस इसका मतलब क्या होता है, अगर एल आ रही है तो इसका मतलब कि सीक्वेंस की लिमिट अगर एल आ रही है, कोई भी एक नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब चाहे उसको हम इवन साइड से जा रहे हैं या ऑड साइड से जा रहे हैं, दोनों ही केस में वो एल पे जा रही होगी लिमिट, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ ए टू एल लिख लेते हैं, मतलब इवन की तरफ को जा रहे हैं ये भी, और चाहे हम इसमें ऑड की तरफ को, ऑड की तरफ से जाए, ए टू एन प्लस वन की साइड से जाए, दोनों ही केस में ये जो है वो एल की तरफ हो जाएगी हमारे पास, ठीक है बात। तो एल की तरफ हो जाएगी, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इन दोनों ही केस के अंदर, ये सिंपल सी बात है इसकी, ठीक है। तो सिमिलरली अगर +∞ तो -∞ तक जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों ही साइड से, मतलब अगर एल लिमिट आ रही है, एग्जिस्ट कर रही है, तो हम कहेंगे अब सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंस हो गई। सिमिलरली अगर हम ऐसा कहें कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी
एन जारी, सपोज ये है प्लस इन्फिनिटी, और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ एन ये है माइनस इन्फिनिटी। इन दोनों, इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब ये हो जाता है कि प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी दोनों साइड से अगर हम, मतलब अगर हम यहाँ पर ऐसा कहें कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन इन्फिनिटी आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि उसकी इवन और ऑड दोनों ही सीक्वेंसेस, यानी इसको हम 2n लिख दें और इसको 2n+1 लिख दें, तो ये दोनों की दोनों ही एक प्लस जा रही होगी एक माइनस जा रही होगी, इसका मतलब ये हो जाता है। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस और माइनस, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। तो इस कंडीशन में अगर एक साइड से प्लस एक साइड से माइनस जाए तो हम कहेंगे कि सीक्वेंस डज नॉट डाइवर्ज, और एक साइड से एक डिफरेंट नंबर और दूसरी साइड से, मतलब इवन के साइड से डिफरेंट नंबर, ऑड के साइड से डिफरेंट नंबर पर अगर जाती है लिमिट तो हम कहेंगे डज नॉट कन्वर्जेंस। ठीक है, ये दोनों ही ऑसिलेटरी होंगी, एक पहली वाली ऑसिलेटरी फाइनाइट हो जाएगी और इस केस में ऑसिलेटरी इनफाइनाइट हो जाएगी, सिंपल सी इतनी सी बात है। ठीक है, अगर हम नल सीक्वेंस की बात करें तो कोई सीक्वेंस नल कब होती है? अगर वो कन्वर्ज करती है जीरो के ऊपर। ठीक है, तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को भी हम देख लेते हैं। नल सीक्वेंस, नल सीक्वेंस क्या होती है? अ सीक्वेंस ए एन, अगर डेफिनेशन से जाए, इज सेट टू बी नल, इज सेट टू बी नल सीक्वेंस इफ इट कन्वर्ज, इफ इट कन्वर्ज टू जीरो। ओके, डेट इज, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी करने पर ए एन जो है वो जीरो हो जाए, सिंपल सी बात, तो ये कहलाएगी हमारी नल सीक्वेंस। एग्जाम्पल, नल सीक्वेंस का कोई बच्चा बता सकता है? ये हो गया भाई 1/n, ये नल सीक्वेंस है। जब हम n की वैल्यू इन्फिनिटी तक को चलेंगे लेकर के, तो सीक्वेंस जीरो तक हो जाएगी, इसके लिमिट आएगी जीरो, तो ये होगी नल सीक्वेंस, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब कुछ रिजल्ट्स हैं इनसे जुड़े हुए जो हमने डिस्कस किया है, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। अब इससे जुड़े हुए कुछ रिजल्ट हैं जिसमें पहला रिजल्ट ये है हमारे पास। पहले रिजल्ट की अगर बात करें, हम हालांकि रिजल्ट के प्रूफ पे नहीं जाएंगे कि इफ ए एन, ध्यान रखना बड़ा अच्छा रिजल्ट है, ए एन कन्वर्ज करती है किसी नंबर एल पर, कन्वर्ज टू एल, ओके, देन इस पे क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में आपके CSIR में, देन द सीक्वेंस मॉड ऑफ एन या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस कन्वर्ज टू, कन्वर्ज टू मॉड ऑफ एन। ठीक है, मतलब अगर ए एन कन्वर्ज कर रही है एल की तरफ को, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस वैल्यू मॉड ऑफ एल पे कन्वर्ज करेगी, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, जबकि इसका ट्रू, इसका कन्वर्ज जो है वो ट्रू नहीं है। ठीक है, कि अगर मॉडुलस पे कन्वर्ज कर रही है तो जरूरी नहीं कि, मतलब अगर ए एन कन्वर्ज कर रही है मॉडुलस किसी भी सीक्वेंस की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, अगर किसी एक नंबर पे कन्वर्ज कर रही है किसी एल पे कन्वर्ज कर रही है, इसका मतलब इसका उल्टा ट्रू नहीं है, कि इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि उसकी सीक्वेंस जो होगी वो मॉडुलस पे कन्वर्ज करेगी। मतलब कहने का यह है कि आप लिखना चाहें लिखने कन्वर्स पार्ट में, कन्वर्स नॉट ट्रू। क्यों ट्रू नहीं है? एग्जाम्पल अगर देखें इसका, कि अगर कन्वर्स ट्रू होने का मतलब ये होगा कि अगर इफ ए एन को सीक्वेंस ले लेते हैं -1 to the power n, ये ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए एन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 1। ठीक है, 1 हो जाएगी, तो एब्सोल्यूट वैल्यू तो कन्वर्ट कर रही है किस पे? 1 पे, जब हम एन को इन्फिनिट तक लेके जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ए एन जो है हमारी, ये वाली ए एन जो है, ए एन जो है हमारे पास, ये वाली सीक्वेंस, ये तो कन्वर्ज ही नहीं कर रही, क्योंकि इसके दो लिमिट पॉइंट आ रहे हैं। तो क्या हुआ, मतलब कि अगर मॉडुलस कन्वर्ज कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सीरीज जो सीक्वेंस है वो भी कन्वर्ज करेगी, लेकिन अगर सीक्वेंस किसी नंबर एल पे कन्वर्ज करती है तो उसका मॉडुलस भी कोरस्पॉन्डिंग
वैल्यू के मॉडल मतलब करस्पॉन्डिंग वैल्यू का मॉडल्स पे ही कन्वर्ट करेगी, ठीक है। मतलब अगर वो निगेटिव होगा तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ए एन कन्वर्ज टू एल, तो मॉड ऑफ ए कन्वर्ज टू मॉड ऑफ एल, ठीक है। इतना था हमारा ये इसके बारे में, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में। अभी इसके इससे रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, बहुत सारे थ्योरम्स हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ओके। सो होप सो ये आपको इतना क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, ओके। सो थैंक्स, थैंक यू अगेन गाइज।